नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद है और लहसुन मंडी में नीलामी का दौर जारी है। इसी बीच एक किसान भाई है जिनकी अभी लहसुन बिकी है। क्या भाव बिकी भैया? 23,900। क्या उम्मीद थी आपको, कहाँ तक जाने की? 24,000 तक पिछली बार बिकी थी। हाँ। लास्ट टाइम जो लाया था 5 दिन पहले। हाँ। डाउन है भाव, आज डाउन है थोड़ा, तो लगातार जो 2-3 दिन से डाउन चल रहा है उसी में फिर वो डाउन हो गया। आप भी कुछ लाए थे लहसुन, कौन सी वेरायटी की, कहाँ से लाए? छोटी थी। कहाँ से आया? पालसा से। क्या उम्मीद लग रही थी आपको कि 27-28 तो बिक जाएगा? नहीं, किल नहीं बिका। पहले भी लेके आए थे? हाँ, 32,800 बिकी थी पहले। अभी क्या कम गई? हाँ, 8,000 कम आए। 8,000 कम आए एक महीने पहले। अभी जो दाम मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? ठीक है वैसे तो। ठीक है तो क्या लग रहा है आपको, आगे और दाम ऊपर नीचे कुछ होंगे? देवी देवता बता रहे हैं जो आ सकता है भाव, तो देवी देवता बता रहे हैं कि भाव अच्छे आएंगे। भाव देवी देवता के भी आते हैं लोगों को दिल में। दो तरह के भाव होते हैं ना। हाँ। एक तो उनके शरीर में आते हैं वो भाव। हाँ। और एक देवी जो बाजार में, बाजार में आएंगे, बाजार में आएंगे। तो क्या उम्मीद है कि आगे और अच्छा जाएगा? आएंगे, ऊटी का नहीं देसी का आएगा। देसी? हाँ, अब तो ऊटी तो मार्केट से खत्म हो गई। 20 बक्से है घर पे अभी, और बड़े ऊटी 20 बक्से है। 20 बक्से है तो अब ऊटी का तो दूर एक आध महीना और चलेगा। हाँ। उसके बाद तो साफ हो जाएगी मार्केट में। हाँ, ज्यादा नहीं है अब तो। हाँ, हाँ। तो ये जो देसी का है, देसी कितनी है आपके पास? नहीं, हमारे गांव में नहीं है। आपके इधर नहीं है? हाँ। अब तो देसी का दौर चालू होगा तो दाम ऊपर जाएंगे क्या? है कि ये देसी का दौर चलेगा जब देसी। हाँ। जब आने लग जाएगी। हमारे वहाँ तो है ही नहीं देसी, देसी उधर है ही नहीं, ऊटी है सर। क्या कहना दादा आपको, कहाँ से आए? बस पारचा से, साथ में है सर। क्या लग रहा है दाम कहाँ तक जाएंगे? और जा सकते हैं ऊपर? ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल, 100% ठीक है। देसी के, देसी के माल जाएंगे, देसी के। उसके पास तो बहुत है माल। एक और किसान भाई है जिनसे मिलते हैं, वो कहाँ गई, क्या भाव गया है? लगातार जैसे कि मैं मंडी में आवक है, जो आवक लगभग 17,000 से 18,000 बोरी की देखी जा रही है, और ये बहुत अच्छी लहसुन। क्या भाव गई है? 21,000 रुपये। कहाँ से आप? रियावन। रियावन कहाँ था? जावरक पास। 21,000 रुपए। कौन सी है, देसी की? ऊटी है। क्या लग रहा था आपको, क्या उम्मीद थी कहाँ तक जाने की? ये और भी ज्यादा बिकने की थी। कम पहले लाए थे? हाँ। लाए थे, उसमें अभी बाजार कम है कुछ। अभी बाजार 1,000-2,000 रुपए कम है। हाँ। अभी पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार जो दाम है उसमें गिरावट आ रही है, 1,000 से 1,500 रुपए की गिरावट है। हाँ, इधर आ जाइए आप, है ना, 1,000-1,500 गिरावट बिल्कुल। क्या लग रही है आगे और आने आगे भविष्य में? लहसुन का बाजार तेज है, बाजार तेज है लहसुन। 40,000 तक बिकेगा? 40,000 तक लगना चाहिए कम से कम। 40,000 रुपए जो है ऊटी तो अब खत्म होने की तरफ है ना। तो अब क्या लग रहा है कि देसी में ही बाजार आएंगे, ऊटी में ही बाजार आएंगे? ऊटी अब कब तक रुकेगी? ऊटी अभी 2-3 महीने और रुकेगी, बारिश तक रुक पाएगी उसका? जुलाई से बात तो गायब हो जाएगी, जुलाई अगस्त तक तो रुक जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है? अच्छी बिक रहा है, थोड़ा 100-200 रुपए मध्य बढ़ा है अभी तो। आने वाला समय कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, उम्मीद है और अच्छे दाम आएंगे? अच्छा दाम आएंगे। अच्छा, देसी है कि ऊटी आपके पास? देसी है। कितनी बोरी लाए? मतलब 75 कट्टा है। अभी स्टॉक कितना पड़ा होगा? अभी तो और भी स्टॉक 200-150 हो रहा है। तो अभी निकालोगे कि रोक के निकालोगे? रोकेंगे। कब तक रोकने की उम्मीद? एक आध महीने रोकेंगे। एक आध महीने मतलब बारिश आने के बाद? हाँ, बारिश। आपको लग रहा है बारिश जुलाई में अगस्त में और ऊपर जाएगी लहसुन? चला भी जाए ऊपर पे, नीचे भी आ जाए ठीक थोड़ी इसका, पर ऐसा मार्केट तो लग नहीं रहा है। हाँ, नहीं लग। पर हाँ, जो भी है दाम जो अभी मिल रहा है लगभग वो सब दाम रहेंगे। तो जैसा कि सभी किसान जो जिस तरह के दाम मिल रहे हैं उनसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, देखना होगा कि आने वाले समय में दाम कहाँ तक पहुँचते हैं। किसान भाई बता रहे हैं कि जो ऊटी लहसुन है उसका जो दौर है जुलाई अगस्त में समाप्त हो जाएगा। हालांकि अब भी आवक ऊटी की उतनी नहीं रही जितनी शुरुआती दौर में थी। अब देसी की जो आ रही है मार्केट में ज़्यादा आ रही है। आज तकरीबन 17-18 हज़ार बोरी की आवक नीमच कृषि उपज मंडी में लहसुन की देखी जा रही है, और जो दाम है कमोबेश पहले की तरह स्थिर बने हुए हैं। औसत दाम लहसुन के जो ऊटी वैरायटी है उसमें भी और देसी में भी देखी जा रही है। बस खास बात यह है कि पिछले कई दिनों से जो यह सप्ताह की शुरुआत हुई, इस सप्ताह में जो दाम है वो काफ़ी मतलब पहले की अपेक्षा कम लोगों को और किसानों को लग रहे हैं।
जो 200-300 रुपए की प्रतिदिन जो गिरावट देखी जा रही है, हालांकि किसान इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जिस तरह के दाम नीमच कृषि उपज मंडी में मिल रहे हैं उससे जो वो दूसरी मंडियों में नहीं मिल रहे हैं, और निश्चित तौर से इसी वजह से किसान लगातार नीमच कृषि उपज मंडी का रुख कर रहे हैं और जो दाम मिल रहे हैं वह कहीं ना कहीं उनको भी संतोषजनक दिखाई दे रहे हैं। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।